हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं हूँ अपने किचन में, तो प्लेटफॉर्म की कर रही हूँ सफाई। वैसे ये काम जो है मैं रात में ही करती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो इसलिए ये जो काम है प्लेटफॉर्म और गैस की सफाई, तो वो मैं रात में ही करती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, मैंने रात में ही सफाई की थी, तो आज मेरे हस्बैंड हैं वो बाहर काम से गए हैं, किसी काम से गांव गए हैं, तो वो सुबह गए थे 4 बजे घर से, उनकी 5 बजे की गाड़ी थी, तो मैं 3 बजे उठी थी और मैंने उठकर उनके लिए खाना वगैरह बनाया था, तो फिर वैसे ही प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था और सो गई थी, क्योंकि आज संडे था तो स्कूल का कुछ भी काम नहीं था, तो इसलिए फिर आराम से उठी तो 8:30 का टाइम हो चुका था। स्कूल जाते तो फिर जल्दी उठना पड़ता, बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो इसलिए आराम से उठी थी। और जब कोई बाहर जाता है तो झाड़ू वगैरह है जो वो नहीं लगाते जल्दी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी कोई घर से, कोई भी हो घर से जाता है बाहर किसी काम से, तो उसके जाने के तुरंत बाद जो झाड़ू है वो नहीं लगाते और नहाते भी नहीं हैं, तो बस इसीलिए मेरा काम है जो आज काफ़ी लेट है, तो मैं लेट नहाऊंगी आज, मेरा नहाना भी काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैंने चाय वगैरह थी जो वो अपनी पी ली है और उसके बाद मैं अपनी झाड़ू वगैरह में लगी। वैसे इस टाइम तक जो मेरा है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मेरा जो ये काम है सारा कंप्लीट हो जाता है और मैं नहा कर पूजा वगैरह कर लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ, तो आज लेट है मेरा काम, तो इसीलिए चाय तो मैंने पी ली है क्योंकि मेरा नहाना है जो वो काफ़ी लेट होगा इसलिए। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा कर और नहा कर आ चुकी हूँ, पोछा वगैरह भी मेरा हो चुका है और अभी हो रहा है 12:30 का टाइम हो चुका है। थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने हाथ से ही धुल लिए थे। आज स्कूल के कपड़े थे जो वो मैंने कल धुल लिए थे, तो आज स्कूल वाले कपड़े नहीं थे क्योंकि कल सैटरडे था और 2 अक्टूबर था, तो इस करके कल की छुट्टी थी, तो स्कूल वाले जो कपड़े थे वो कल ही धुल चुके थे। तो बस ये थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने अभी धुले हैं। और खाना वगैरह भी आज अब जाके बनाऊंगी, मतलब क्या है कि खाने में सिर्फ रोटियां बनानी हैं, और क्योंकि मतलब सुबह मैंने सब्जी बना ली थी, जब सुबह खाना बनाया था मैं अपने हस्बैंड के लिए, तो तभी मैंने सब्जी बना ली थी और कुछ सब्जी रात की रखी हुई थी, तो सब्जी नहीं बनानी है, सिर्फ रोटियां ही सेकनी हैं मुझे। तो ये देखिए इतना अच्छा मौसम हो गया है आज, और हल्की हल्की हवा चल रही है और धूप भी है जो वो पूरी खिली खिली सी लग रही है। कल काफ़ी गर्मी थी लेकिन आज हवा चल गई, रोज़ मौसम बदलता है तो अच्छा एकदम हो गया, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, मन कर रहा है बस इधर ही बैठे रहे, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं कपड़े डालकर आई हूँ और कपड़े मेरे सूख रहे हैं और सूख जाएंगे बहुत जल्दी, हवा चल रही है हल्की हल्की, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है बाहर, मतलब धूप तो निकली है पर हवा चल रही है तो अच्छा है। कल गर्मी थी, आज थोड़ा सा अच्छा है मौसम, मतलब मौसम का कुछ पता नहीं होता है, कभी गर्मी कभी मतलब नॉर्मल हो जाता है, तो आज ठीक है, कल गर्मी थी। तो अभी हो गया मेरा काम, आज लेट था काम काफ़ी, तो अभी खाना वगैरह खा के ही आई हूँ, और आज संडे था उतना ज़्यादा काम भी नहीं था, लेकिन आज मेरा लेट हो गया। वैसे संडे को ज़्यादा ही काम होता है, लेकिन अभी 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी, संडे की भी थी और सैटरडे की, तो इसलिए ज़्यादा कपड़े वगैरह का काम नहीं था, जो कपड़े थे स्कूल वगैरह के वो कल ही धुल गए थे, इसलिए आज थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, हाथ से ही धुले थे, लेकिन फिर भी आज मेरा काम ना काफ़ी लेट हो गया था।
और अभी मैं 1:30 बजे फ्री हुई हूँ, खाना खाकर बस आप लोगों से बात